स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड सेकंड ईयर स्वयं की समझ विषय के अंदर जानेंगे आत्मसम्मान वृद्धि के उपाय। जो हमारा टॉपिक चल रहा है आत्मसम्मान, उसको कंटिन्यू करेंगे। आत्मसम्मान वृद्धि के उपाय की आवश्यकता कब आन पड़ती है और आत्मसम्मान वृद्धि के उपाय की जरूरत होती है? जब व्यक्ति ज्यादा तनाव में रहता है या उसको लगता है कि वह सफलता को हासिल कर रहा है या उसको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इस सिचुएशन से बचने के लिए या इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ये जरूरी है कि उसके अंदर आत्मसम्मान वृद्धि के उपायों को अपनाया जाए या वो कुछ ऐसा करे जिसके माध्यम से वो इन सब जो पहलू है जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इससे बाहर निकले और अपने आप को बेहतर तौर पर एक सामने रख सके। इसलिए आत्मसम्मान वृद्धि के उपाय की आवश्यकता पड़ती है। तो आत्मसम्मान वृद्धि के उपाय के लिए शिक्षक होने के नाते हमको इसको समझना होगा कि इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला है इसकी वृद्धि के उपाय के संदर्भ में, पहला सकारात्मक चिंतन का अभ्यास। सकारात्मक चिंतन का अभ्यास। आत्मसम्मान वृद्धि के लिए हमेशा सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, वह कार्य करना जिससे हमेशा अच्छी सोच निर्मित हो सके, जिसके लिए सकारात्मक सोच रखना। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि हमको वह कार्य करना पड़ता है जो हमको अत्यधिक प्रिय है, लेकिन हम उस कार्य को कहीं साइड में रखकर दूसरा कार्य करेंगे जिससे हमको सफलता मिलती हो। तो उस सिचुएशन में अगर हम सकारात्मक सोच रखें कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छा होगा, तो इस तरह से सकारात्मक सोच के माध्यम से होगा क्या, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, वो आसानी से कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है सफलताओं का अवलोकन। हमेशा अपनी सफलताओं का अवलोकन करना चाहिए, उसको परखना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसका एवल्यूशन करेंगे इस तरह से। उसके अवलोकन करने के माध्यम से हम हमेशा अपने आप को ये मान के चलेंगे कि हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं या जो हम करना चाहते हैं वो हमारे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। तो इस तरह से अपनी सफलताओं को जान करके जो कार्य हम बेहतर करेंगे उससे हमारे द्वारा किए कार्य अच्छा होगा और हम अपने आप को अपने आत्म को अच्छे सम्मानित कर सकते हैं। इसलिए सफलताओं को हमेशा अवलोकन कीजिए, जीवन में कभी निराशा और हार को आपको सहारा नहीं लेना पड़ेगा। थर्ड है कठिन समय में परामर्श की तलाश। जीवन में जब कठिन समय आता है और इंसान तनावग्रस्त हो जाता है और अपने आप को कमजोर महसूस करता है, उस सिचुएशन में परामर्श की आवश्यकता होनी चाहिए, कठिन समय परामर्श मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बालक भी तनाव में चला जाता है, बालक भी अपने आप कमजोर सकता है, निराशा का महसूस करता है, इस सिचुएशन में उसको परामर्श देना चाहिए। शिक्षक को ये दायित्व बनता है कि उसको परामर्श दे और उसको आगे के लिए तैयार करे, आगे के मार्ग दिखाए। इस तरीके से जब कठिन समय परामर्श मिलता है तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान बन जाता है। तो कठिन समय परामर्श की तलाश मिलने से एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना। जीवन में अगर कभी हमको असफलता मिल जाती है या हमसे गलतियां हो जाती है तो उन गलतियों और उन त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उससे स्वीकार करके उनको सीखकर हम कुछ और बेहतर करेंगे। हो सकता है हमारे द्वारा बहुत सी ऐसी त्रुटियां रह जाती जीवन में जिसके माध्यम से हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत गलत किया है, लेकिन उसको स्वीकार करते हुए उसे आगे बढ़ने का तैयार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि त्रुटियों को स्वीकार करते हुए हम वापस पुनः बेहतर कार्य को कर सकते हैं। अगला आ जाता है मूल्यों की
पहचान, मूल्यों की पहचान, हमेशा अपने मूल्य अपने आदर्शों की पहचान कीजिए, क्योंकि हमारे जो आदर्श होते हैं, हमारे जो मूल्य होते हैं, वो हमको और अच्छा बनाते हैं। और हमारे मूल्य जैसे कि बहुत सी ऐसी आदत है कि हम यहाँ वहां कचरा नहीं डालते हैं, हम उसका संरक्षण, हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, तो इस तरह से हमारा मूल्य आदर्श होता है कि हम दूसरों का सम्मान करते हैं और किस तरह से दूसरों की बातों को मानते हैं, तो इस तरह से जो मूल्यों का पहचान करते हैं, तो यही मूल्य हमको और अच्छा नागरिक बनाती है। नेक्स्ट है लक्ष्यों की पहचान। आत्मसम्मान की प्रक्रिया तब ज्यादातर सफल साबित हो जाती है जब हमारे लक्ष्य, हमारे आगे का जो टारगेट है उसको हम समझ सकते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं, हमको पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम उस लक्ष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो इसी लक्ष्य को पहचान करके हम अपने आप को और बेहतर तौर पर तैयार कर सकते हैं। अगला है प्रदर्शन में ईमानदारी। हम जो भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, हमारा जो भी प्रस्तुतीकरण है उसके अंदर हमेशा ईमानदारी दिखाओ, और वो ऐसा करना चाहिए जिससे हम खुद पर कभी ऐसा नहीं करें कि हमने जो किया वो गलत किया है। हम जो भी कार्य करते हो ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है, और ईमानदारी से कोई भी किया गया कार्य हमेशा सफलता और अपनी एक अच्छी पहचान बनाती है। तो ये हो गया प्रदर्शन में ईमानदारी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आलोचना से सीखना। अगर हमारी कहीं आलोचना होती है, ठीक है, और तो उस आलोचनाओं से हमेशा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आलोचना क्यों हो रही है और क्या ऐसा कारण है, अगर उस आलोचनाओं से सीख मिलेगी तो हम दूसरी बार ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कोई आलोचना हो सके, इसलिए हमेशा आलोचना से सीख लेनी चाहिए। अगला उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार। हमारे व्यवहार को हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला बनाना चाहिए, उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो हमको ये ध्यान रहेगा कि हमको क्या और कैसे करना है और दूसरों को इस तरह से वो कैसा उसको फायदा मिलेगा, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। अगला है विचारों का क्रियान्वयन। हमारे विचार प्रक्रिया है, विचारशील प्रक्रिया, उस विचारों का क्रियान्वयन करता जाना चाहिए। विचार के हिसाब से अगर हम कोई अच्छा विचार सोच के काम करते हैं तो हमारा कार्य भी अच्छा होगा। अगला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि। हमेशा हमारे फिजिकली और मेंटली ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसकी वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक मानसिक वृद्धि अच्छी होगी तो हम जितना अपने आप को फिट रखेंगे हम कार्य को बेहतर तौर पर करेंगे, इसलिए फिट रहना इस जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगला है अपनी उपलब्धियों का अभिलेख। जीवन में जो हम सफलता हासिल करते हैं, ठीक है, जो उपलब्धियां हासिल करते हैं उन उपलब्धियों का अभिलेख कीजिए, उसको सहित कीजिए, ताकि उन उपलब्धियों से हम अपनी एक अच्छी पहचान बना सके। अगला है
क्षमा शक्ति का समावेश। एंड लास्ट आ जाता है नेक्स्ट फोर्थ आत्म विकास को महत्व। क्षमा शक्ति का समावेश, हमको हमेशा क्षमाशील इंसान को बनना चाहिए, क्षमा शक्ति का समावेश करना चाहिए ताकि हम कभी भी अनुचित नहीं कर पाए। और आत्म विकास को महत्व, हमेशा आत्म विकास आत्म के ऊपर विश्वास करना चाहिए ताकि जो हम कार्य करते हैं वो बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि हमको खुद पर विश्वास होगा तो हम कॉन्फिडेंस साथ उस कार्य को अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से आज क्लास में लेना कि जो आत्मसम्मान है उसकी वृद्धि के कौन कौन से उपाय है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, सम्मान वृद्धि के उपायों को स्पष्ट कीजिए। तो आत्मसम्मान वृद्धि के कौन कौन से उपाय हैं जो आज हमने क्लास में जाना है, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है कि आत्मसम्मान वृद्धि के उपाय को स्पष्ट करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में हमको घर रहना सोचना है और अपने अपने स्वास्थ्य ध्यान रखना है और इस बीमारी के खिलाफ जो उसके नियम है उसका कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।